ऐसा है कि जो बुनियादी स्तर पर जमीन के स्तर से जो निकलती हैं सूझबूझ और नई नए नवसर्जन, उनमें एक बहुत उनका एक बहुत ज़रूरी अंग, उनका एक बहुत एक अच्छा गुण जो है वो ये है कि वो एक समस्या से जूझने का माध्यम बन जाती हैं। और वो समस्या ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति की हो जिसने उस नवसर्जन को पैदा किया है, तो कभी कभी वो समाज की समस्याओं पर पैदा काम कर लेता है, कभी कभी वो अपनी समस्याओं पर काम करता है, और कभी कभी उसको लगता है कुछ ऐसी समस्याएं दिखती हैं जो भविष्य में आने वाली हैं। तो सभी नवसर्जक आज की समस्याओं पर काम कर, ऐसा भी नहीं। आज सुबह हम बैरोड में थे और वहाँ एक कंपनी का इनॉग्रेशन किया जो सुभाष ओला ने बनाई। सुभाष ओला गाँव का किसान कारीगर, एक ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है दसवीं बाद, और उसने सोचा कि जो एक उसने खोया बनाने के लिए इसको शुरू किया था, और उसमें वो जो स्टीम होती थी देखता था कि बहुत सारी स्टीम बेकार जाती है, तो उसने उसी को रिसाइकिल किया, दोबारा से उसी स्टीम को इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि उसकी सफलता उसको मिल गई 60% ईंधन और पानी कम लगता है इसका। तो हमने उसको पुरस्कार दिया, पुरस्कार दिया तो उसको और लोग जुड़ गए उसके साथ। आज वो टेक्सटाइल मिल के लिए, फूड प्रोसेसिंग कंपनियों के लिए, प्लाईवुड के लिए जहाँ हाइड्रोलिक स्टीम से प्रेस चलता है, उन सब के लिए बॉयलर की टेक्नोलॉजी बना दिया। वो खोए से कहाँ पहुँच गया, उसको अंदाज़ा था कि पानी की समस्या भी बढ़ने वाली है और ईंधन की समस्या भी बढ़ने वाली है। एक साल दो साल के अंदर 1 करोड़ पहुँचा, इस साल उसको 10 करोड़ की। फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप अगर कह सकते हैं ग्रासरूट का, वो सुभाष ओला है। आज वहाँ पर 3-4 और इनोवेटर से मिला। एक इनोवेटर ने कहा, सर आपको मालूम है राजस्थान के अंदर पानी तो कम होता जा रहा है, पेड़ लगाने हैं, तो पेड़ तो जब लगेंगे जब उनकी जड़ नीचे जाएंगी। तो उसने मुझे फोटो दिखाया कि ज़्यादातर पेड़ जो लगाते हैं सरकार लगाती है या जंगल खाते लगाते लोग, उनकी जड़ें ज़्यादातर 1.5 फुट 2 फुट के बाद में फैल जाती हैं, फूल फूल जाती हैं, फिर वो ज़्यादा नहीं जाती नीचे। और क्योंकि वो मोटी हो जाती हैं तो उसमें दिमक जा सकती है, वो सूखने लगती है। इसने तरीका बनाया है कि जड़ जो है कम से कम 10 फुट 12 फुट तक जाएगी। उसने एक छेद करने का तरीका बना लिया, वो जहाँ बोता है उसके नीचे 4 फुट तक छेद कर देता है पाइप से, वो जड़ सीधी नीचे जाती है। उसका तो पेट कभी मरेगा, पानी भी कम लगेगा उसको, पानी तो नीचे ऊपर की सतह सूख जाती है। तो जैसे सुनाराम जी ने प्रयोग किया था, इसने उस प्रयोग को और आगे बढ़ा दिया। ऐसे कई लोग मिले आज भी, और जिससे मुझे ये विश्वास हर रोज़ हर बार जब मिलता हूँ किसी नगर से, ये विश्वास और पक्का हो जाता है कि देश में कमी तो है नहीं, कमी है तो शायद हमारी पहचान नहीं। और अगर ऐसे लोग अपना उद्यम लगाएंगे, कुछ जानकारी ऐसी है जैसे जब एक पेड़ वाली है जन सामान्य को मिलनी चाहिए, कोई भी लगाना चाहे लगाए, इसका ज़रूरी नहीं है कि वो सरकार के ज़रिए ही लगेगा। एक भाई आए थे आज 150 किलोमीटर दूर से, उन्होंने जो खाना पकाने का बर्तन है उसके नीचे रिब्स होती हैं, ऊपर जैसे ऊपर लिफ्ट जैसा, उन्होंने वो लगा दिया और उसकी डिज़ाइन को ऐसा चेंज किया कि फ्लेम जो है वो बाहर नहीं जा पाएगी, बर्तन की तरफ जाएगी। बड़ी अजीब बात है ना, नॉर्मली आप जो बर्तन पकाते हैं का, और फर्नेस को उसने ऐसा बनाया कि उसके साथ ही लग जाती है वो बर्तन, तो जीत बाहर नहीं जाता। 30% 20 से 30% कम ईंधन, जल्दी खाना पक रहा है आपका, जो भी आपको पकाना है। मतलब ईंधन की कमी, पानी की कमी, इसको सोचकर जो भी इनोवेटर आज मिल रहे हैं वो सबके सामने यही चिंता कर रहे हैं। तो वो आज की समस्या पर नहीं काम कर रहे हैं, उनको मालूम है आगे आने वाले समय में और बढ़ेगी ये समस्या। तो नवसर्जक स्थानीय ज़रूर है, लेकिन उसकी सोच हमेशा स्थानीय नहीं होती। अगर उसको पंख मिल जाए तो वो काफ़ी दूर तक जा सकता है। ये जो स्टार्टअप पॉलिसी की जो बात चली है 1.5 साल में जो आई है, और जो हमने आंकड़ा मोटा मोटा पढ़ा कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है, और हर दिन अमूमन 3-4 स्टार्टअप्स खड़े हो रहे हैं देश में, और बल्कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मतलब टाटा जैसे लोग जो है वो मतलब बड़े कारोबार को छोड़कर स्टार्टअप में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगे, हाउ इट्स गोइंग टू चेंज लैंडस्केप ऑफ दिस कंट्री। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जोखिम उठाना और जोखिम उठाकर एक नया उद्यम पैदा करना, ये एक अच्छा स्वभाव है समाज का। जो भी समाज जिसने भी प्रगति की दुनिया में कहीं भी, उसने जोखिम उठाना भी सीखा, क्योंकि जोखिम से जूझना और जूझ के उसके साथ समझौता कर लेना वो समाज को वहीं रखता है या नीचे की तरफ ले आता है। क्योंकि समाधान हमारे कभी भी उपयुक्त नहीं होते, कुछ तो कम ही होते हैं और कम होते चले जाएंगे जब समय समय बदलेगा। तो एक अच्छी सकारात्मक ये सोच है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि इसकी योजना जैसी जो अभी चल रही है कि हम इंक्यूबेटर बनाएंगे अलग अलग जगह पर, सारे देश के इंक्यूबेटर ले लो तो मुश्किल से 1000 रुपये स्टार्टअप नहीं होंगे।
मैं ना उसके लिए काफ़ी समय से लिख रहा हूँ इन सिटी इनक्यूबेशन, यानी कि जो व्यक्ति जहाँ है, जो युवा जहाँ है, उसको वहीं पर सपोर्ट दो आप, जोखिम राशि का भी, तकनीकी सपोर्ट भी, मेंटरिंग का भी, उसको सलाह देने का भी। एक बहुत बड़ी विडम्बना पैदा हो जाएगी, वरना इस मूवमेंट से जो युवा वर्ग है वो सब शहरों में जाएगा, बड़े बड़े शहरों में। तो जो हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, माता पिता है, उनको देखभाल कौन करेगा? तो हम समाज को बांट रहे हैं एक अजीब, हम पश्चिम की दिशा में नहीं जाना चाहते। हमारे यहाँ पुराने बूढ़ों के लिए बूढ़े घर बनेंगे, वृद्धाश्रम उसमें रहेंगे, वो ऐसा थोड़ी चाहते हैं हम समाज। हम चाहते हैं कि युवा पीढ़ी उनके साथ रहे। आज आईटी के ज़माने में, सूचना तंत्रिकी के ज़माने में ये संभव है कि जो व्यक्ति जहाँ है उसको सारा ज्ञान वहाँ प्रदान कर सके, आसपास के कॉलेज उनको साधन दे। मैंने रेलवे बजट के समय में उनसे बात की, रेलवे मिनिस्ट्री से, और इस साल के रेलवे बजट में एक विशेष प्रावधान किया गया है जिसके लिए मुझे बहुत खुशी है। 400 वर्कशॉप हैं उनकी देश भर में, उन वर्कशॉप्स को ग्रासरूट इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए खोल दिया गया। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, वर्कशॉप आ गई, कॉलेज वाले दे दें तो और भी अच्छी बात है, पॉलिटेक्निक वाले दे दें तो और भी अच्छी बात है, आईटीआई वाले दे दें तो और भी अच्छी बात है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, 8,000 आईटीआई हैं, कोई 3,000-4,000 पॉलिटेक्निक भी होंगे, 6,000-7,000 इंजीनियरिंग कॉलेज भी होंगे। तो तरीका है संभव कि हम बच्चों के लिए रास्ता खोलें। फिर क्या जरूरत है सबको शहर में लाने की? अच्छा, डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत जब उद्यम लगेंगे तो प्रजातंत्र भी सफल होगा। जहाँ भी विकेंद्रीकरण होता है सत्ता का, या आर्थिक सत्ता का, या तो राजनीतिक सत्ता का, वो देश के लिए अच्छा नहीं। विकेंद्रीकृत समाज ही स्वस्थ समाज है, वहीं पर सबको अपने बोलने की आज़ादी, अपने काम करने की आज़ादी बनी रहती है। तो मुझे लगता है कि केवल आर्थिक विकास के लिए नहीं, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटेड एक फैली हुई व्यवस्था बने स्टार्टअप्स की, वही श्रेयस्कर है। हर ज़िले में, हर तालुका में ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार हों जहाँ पर जिसके पास कोई नया विचार है उसको आगे बढ़ाने का मौका मिले। तो NIF के माध्यम से, या हनीवी के माध्यम से, या सृष्टि के माध्यम से क्या एफर्ट्स हमने 3-4 प्रयास किए, 4 प्रयास के बारे में आप बताता हूँ एक मिनट के अंदर। NIF और DST ने मिलकर इस साल 4.5 लाख स्कूलों से 2-2 आइडिया देंगे, इंस्पायर मानक के नाम से योजना बनी। 10 लाख विचार आए, वो 10 लाख विचारों में से फिर 1 लाख, 1 लाख में से 2,060 विचारों को राष्ट्रपति भवन तक ले जाएंगे। पहले क्या था, बच्चे जो थे बाजार से खरीद लेते थे प्रोजेक्ट, है ना, एक बड़ा व्यवस्था बन गया। तो प्रधानमंत्री जी अच्छा काम किया कि उन्होंने तय किया कि भाई, मैंने भी एक कॉलम लिखा था इसके बारे में, आपको याद होगा, जिसमें मैंने कहा था कि अगर हम बच्चों को पालेंगे किसी दूसरे की चीज़ को अपना कहने की आदत से, तो बच्चे कभी मौलिकता नहीं सीखते। तो मतलब एक व्यवस्थित प्रयास चल रहा है देश के बच्चों को का मनोबल खराब करने का, इसको उन्होंने रोक दिया, कंप्लीट रोक दिया। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम उस बहुत बड़े प्रयास से 4.5 लाख स्कूल, सारे देश के बच्चों को नए नए सोचने की प्रवक्ता मिले, इससे जुड़ गए, इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये NIF के कर रहा है DST से। दूसरा काम हमने शुरू किया, टेकपीडिया एक प्लेटफॉर्म बनाया, techpedia.srishti.org, इसमें अभी 2 लाख इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की जानकारी। आज मैं MNIT में और NIT में ये बता रहा था कि भाई, हर स्टूडेंट को बोलिए इस डेटाबेस में पहले चेक करें, जो काम हो चुका है वो नहीं करना, रीइन्वेंटिंग द व्हील नहीं करना। नया मौलिकता आधार है नवसर्जन की। अगर मौलिकता नहीं तो नवसर्जन नहीं हो सकता है। तो इसलिए मौलिकता के लिए तो हमें पता होना चाहिए उन्होंने क्या किया। ये डेटाबेस तो बना नहीं था, ये बनाया। फिर हमने बायरा के संस्था है, बायोटेक्नोलॉजी, उनके साथ सृष्टि ने करार किया, 15 बच्चों को 15 लाख का फेलोशिप मिलता है, 15 लाख का फेलोशिप 15 लाख ईच, और 100 को 1 लाख को शुरू कर दिया 2 साल से, बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल डिवाइस के। अभी मेरी बात हुई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड से, बोले सर बाकी जो है मटेरियल साइंस है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें भी दी जाए सर पुरस्कार, वो भी आगे आ रहे हैं। तो मतलब मेरा ये है कि एक व्यवस्था बन रही है। हमने एक सोशल इनोवेशन फंड भी बनाया है, जिन बच्चों के पास अच्छा विचार है, NIF उनको नहीं कर सकता क्योंकि वो इंजीनियरिंग में आ गए या किसी प्रोफेशनल में हैं, हम उनके विचारों को ले लेते हैं, सपोर्ट करते हैं सच्ची तरफ से, समर स्कूल करते हैं, बच्चों से विचार, बच्चों के साथ वर्कशॉप करना शुरू किया। अगले साल मैं रिटायर हो रहा हूँ अप्रैल में, मैंने तय किया है कि अगले 10 साल बच्चों के साथ और जो ड्रॉप आउट हैं उनके साथ लगाऊंगा और उनको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा हिंदी के अंदर, पहले शुरू करूंगा, फिर बाद में अंग्रेजी में भी शुरू करूंगा, ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने से नहीं जाने से उनके मन में सीखने की इच्छा खत्म हो गई। मैं कल ही मिली थी ऐसे बच्चों से, 2-3 बच्चियों से मिली इनफैक्ट। और आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ कर रहे हैं ना, बहुत दुख होता है। मैं आपसे अगला सवाल यही पूछने वाली थी कि इतनी रियलिटीज़ आर टोटली डिफरेंट और इतनी हार्श कंडीशंस हैं, अगर आप सोचें, मतलब यहाँ से
15 किलोमीटर दूर चले जाए जयपुर से, तब देखिएगा एक बच्ची से मैं मिली, वो 8 किलोमीटर दूर जाती है पढ़ने, 7 किलोमीटर बस से जाती है, 1 किलोमीटर पैदल चल के जाती है वो लड़की। और वो उसने ड्रॉप आउट सिर्फ इसलिए क्योंकि टीचर का व्यवहार ठीक नहीं था, तो वो अपने अपने इलाके के स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती थी। थिंग्स आर रियली वेरी 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 डिफिकल्ट। हम और उन बच्चियों के लिए हमें लगता है कभी कभी लगता है हमने इतनी पढ़ ली है लेकिन कुछ कर नहीं पाए। जब उनको पढ़ाएगा जो भी उसकी क्षमता है, और मैं और लोगों को भी इकट्ठा कर लूँगा जिसको मैं कहूँगा मना नहीं करेगा मेरे कहने से, मेरी सब इतनी इज्जत तो करते ही हैं, तो देश के श्रेष्ठतम अध्यापक स्थानीय भाषाओं में इन बच्चों को पढ़ाएंगे सर अगर ये कर दे। और ये वायदा करता हूँ कि हमें लेकिन हमारे पास वो मंच नहीं होंगे जहाँ से ये बच्चे इकट्ठे हों, जहाँ पर उनके पास कंप्यूटर नहीं है वो ऐसे जगह आ जाए, जहाँ पर कंप्यूटर मिल जाए उनको तो वहाँ पर एक छोटा सा स्काइप का वो लग जाए तो वो सवाल पूछ सके हमसे, और देखिए बात करने से सामने आमने से देखने से फ़र्क पड़ता है, आँखों के अंदर बच्चों के संस्कार पैदा होंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। अप्रैल के बाद मैंने ज़िंदगी में तय कर लिया अगले 10 साल, अभी तक मैं सोने के ऊपर प्लैटिनम की पॉलिश करता था सही ना भाई, आयन के अंदर सोना आता था हमारे पास, हम उसको प्लैटिनम की पॉलिश करते खूब किया 35 साल किया, अब मैं लोहे का सोना बनाऊंगा। और आप सबके पाठकों से भी ये कहूँगा, आपके जो वेबसाइट पे आते हैं उनसे भी कहूँगा कि इस काम को करने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की मदद चाहिए होगी जो हमारे बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकें जहाँ पर आकर वो हमसे बातचीत कर सकें, क्योंकि उनके पास मोबाइल फ़ोन होगा शायद स्मार्टफोन भी ना हो, उतना उनकी बैंडविड्थ ना हो कि वो वीडियो देख सकें 1.5 घंटे तक, उसका भी पैसा लगता है, तो ये साधन पैदा हो जाए ताकि उनको खर्चा नहीं पड़े इसका, लोग स्पॉन्सर कर दें कुछ भी कर दें, तो शिक्षा का बांटने का काम जो है वो हम लोग करेंगे, उनको सिखाएंगे, पहले तो कैसे सीखा जाता है ये सिखाएंगे।